हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाइट व्यू के लिए जयपुर घूम रहे थे, तो घूमते घूमते पहुंच गए फिलहाल हम हवा महल। हवा महल जिसका निर्माण स्वाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में करवाया गया था। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त शुभम श्रृंगी जी जो झालावाड़ से है, और सरपंच साहब भी मेरे साथ है ईश्वर जी जो वो भी झालावाड़ से ही है, सह पार्टी है मेरे। तो ईश्वर जी, आपको कैसा महसूस हो रहा नाइट टूरिज्म, मतलब आप रात को जयपुर में घूम रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यार जयपुर में रहते हो तो रात में आओ सब, दिन में तो जयपुर में कुछ नहीं है, दिन में तो मतलब ट्रैफिक मिलेगा आपको, दुनिया भर का भीड़ भाड़, और मतलब आप बोर हो जाओगे। लेकिन आप रात को पूरी पूरी रोड है जयपुर की खाली मिलेगी, और हमारे जैसे डोलने वाले लड़के मिलेंगे जो कि रात पर। और शुभम जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा आप बताइए? जयपुर रहने के हिसाब से वर्ल्ड की तीसरी सबसे बेस्ट सिटी है। क्या बात करते हैं, बिल्कुल। अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसमें तीसरे नंबर पर जयपुर है और पांचवें नंबर पर उदयपुर है। सिर्फ भारत की दो ही सिटियां हैं जिन्होंने इसमें स्थान बनाया है, बेस्ट डेस्टिनेशन इन वर्ल्ड, पिंक सिटी है जो कि रात को इतना सुकून जिसकी कोई हद नहीं है। रहने के लिए बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, रात को आप किधर घूमो पुलिस वाले की दिक्कत नहीं है। क्या हाँ, वैसे ट्रैफिक डैम है, ट्रैफिक पुलिस का भी आपको परेशान करती है, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। यह है हवा महल, और फिलहाल हमें हवा महल के आगे 1799 में प्रताप सिंह ने बनाया था। इसमें 953 जरो के और 365 खिड़कियां हैं, 363 यहाँ के। इसलिए बनाया था ये कि रानियां गणगौर की और तीर्थ की सवारी निकले उसका काम से रानियां इन खिड़कियों से, इन जरोगों में से देख सके। और हवा महल है, इसको है ना जयपुर का मुकुट मणि कहा जाता है। मुकुट मणि इसका जो शेप है ना वो कृष्ण के मुकुट के समान है। फाइव मंजिल है और ये सिर्फ 9 इंच की दीवार पे है और बिना नींव के टिका हुआ है। इससे बेस्ट आपको उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलेगा ऐसा है। आप इसके फाइव फ्लोर को जिस नाम से जाना, पांच अलग अलग नाम है, आप पता? पांच इसके, इसकी ट्रिक है शराबी पौवा। पहली मंजिल है शरद मंदिर, दूसरी रत्न मंदिर, तीसरा विचित्र मंदिर, चौथा प्रकाश मंदिर, ऊपर ही ऊपर पांचवा हवा मंदिर। तो ऊपर हवा मंदिर ऊपर क्यों है, मतलब इसका ऊपर का पोर्शन वहाँ पर रियली में जब हम ऊपर चढ़े थे, जब मतलब जब हम डैम में जब हम दिन के टाइम में जब हम विजिट कर रहे थे तो हम इसके फर्स्ट पोर्शन पे ऊपर चढ़े थे, और रियली में सच बताया कि इतनी मतलब हवा फील हो रही थी, वायु का जो वेग था वो हम महसूस कर रहे थे, और नीचे की तरफ थे तो हम काफ़ी पसीने पसीने हो गए थे। जब हम ऊपर के फर्स्ट पोर्शन में पहुँचे जिसकी थी लास्ट मंजिल है, तो रियली में बहुत गजब की हवा चल रही थी और हम एकदम ठंडा सा महसूस कर रहे थे। और बाकी जो रात को जयपुर की जो लाइटिंग है वो काफ़ी पॉपुलर है, और जो बड़ी चौपट से लगाकर छोटी चौपट होते हुए आप चांदपुर पहुँचते, इसके बीच का जो पूरा पोर्शन है वो काफ़ी लाइटिंग की हुई है, और इस वजह से, और खासियत ये है कि ये पूरी पिंक सिटी है। पिंक सिटी होने की वजह से इसमें जो लाइटिंग की गई इसके वजह से ये गुलाबी शहर काफ़ी चमकता है, और रियल में आप यहाँ आकर खूब इंजॉय करेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। आपको रात डे की डे में भी तो आपको घूमना चाहिए, मना मतलब दिन में भी अच्छा विजिट कर सकते हो आप, पर जो रात को इसके घूमने का जो मज़ा है ना वो सच्ची में अलग है, आउट ऑफ लेवल है। इसलिए आपको नाइट टूरिज्म करना चाहिए जयपुर का। बाकी आप क्या बताना चाहेंगे श्रृंगी जी? इसकी लोकेशन में पहुँचने के लिए आप चाहे बस से आओ तो सिंधी के हमसे मेट्रो आती है, मेट्रो बिल्कुल उसके पास जो बड़ी चौपड़ी है, बिल्कुल बड़ी चौपट है जो कि ये 50 मीटर बिल्कुल पास है, मेट्रो स्टैंड है बड़ी चौपट का, वहाँ से उतर के सीधा इसके पास। और वैसे इसके मेन पोर्शन में पहुँचने के लिए आपको बड़ी चौपट मेट्रो से उतरने के बाद थोड़ा आगे रहते चलोगे आप छोटी चौपट की ओर, उसके बीच में एक छोटा सा रास्ता है जो कि सीधा हवा महल के मेन गेट। वैसे बताया जाए कि हवा महल का जो बाहरी पोर्शन है ना ये कुछ नहीं है, इसका महल है एक तरीके से, इसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, अंदर पूरा महल बना हुआ है। ये तो हम जो पीछे की साइड विजिट कर रहे हैं, इसका मेन पोर्शन है वो पीछे की साइड है, और वहीं से आप टूरिज्म अंदर प्रवेश करके दर्शन देख सकते हैं। बाकी आप बताइए कुछ जानकारी है। बाकी मेट्रो से आना चाहो तो रेलवे स्टेशन सीधा आओ, कहीं से भी आते हो रेलवे स्टेशन आओ, वहाँ से तो मेट्रो में आप आ जाओ। और बाकी अगर हवा महल देखना हो जरूर विजिट करें जयपुर, जब भी आओ हवा महल जरूर घूमें, दिन में रात में सामने यहाँ पे फोटोशूट के लिए जगह है,
सामने एक होटल है वहाँ पे जाकर आप हाँ, जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हवा महल का व्यू पॉइंट होटल है। वैसे इसके बारे में भी दिलचस्प मतलब अच्छी जानकारी है जो मैं आपको बताऊंगा इस होटल के बारे में। यहाँ पर आपको डैम में आना है और इसके साथ फोटो खिंचवाना है, इसके लिए आपको कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। कॉफ़ी पीने के लिए आपको कम से कम 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, मतलब आपको फोटो खिंचाने के लिए होटल पर पैसे देने पड़ेंगे। रात के टाइम जो बड़ी चौपट से लगाकर शांत पोल और इधर अजमेरी गेट और अल्बर्ट हॉल वाली जो ये जयपुर की सबसे खूबसूरत जगहों में से, और रात में टाइम में लाइटिंग बहुत अच्छी है, रियली में इतनी लाइटिंग गजब की होती है कि मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। आप कहोगे यार, और जयपुर पूरा का पूरा है ना वो पिंक सिटी नहीं है, जयपुर की है जो परकोटे के अंदर है वो पूरी पिंक सिटी है, उसमें आप दूसरा कलर नहीं कर सकते, आपको यही पिंक कलर करवाना पड़ेगा। अपने खुद का मकान हो भले कुछ भी हो, आप उसको दूसरा कलर नहीं करवा सकते यहाँ की। और वैसे जयपुर का हम हवा महल पहुँचते हैं तो जयपुर के परकोटे को क्रॉस करके पहुँचते हैं, और जयपुर का परकोटा आई थिंक वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया, जो कि फिलहाल अभी ही किया गया, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। 5 जुलाई 2019 को शायद जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया, जिसका संरक्षण एएसआई और यूनेस्को दोनों मिलकर करते हैं। और बाकी मेरे हिसाब से अब हमें चलना चाहिए, रात का टाइम है, लगभग 1 बज रहे हैं और 1 बजे उससे घूमेंगे। जयपुर में एलिवेटेड रोड है सबसे पहली बात है, ये भी है जगह जगह झूलते हुए रोड है, एलिवेटेड इसको बोलते हैं जो झूलते हुए रोड है, केबल के सामने उन पे आपको अच्छी लाइटिंग मिलेगी शानदार, बिल्कुल मैं तिरंगे के रंग में रंगी हुई वो मैं एक बार आइए विजिट करिए, आप उसको डालेंगे वीडियो उसको बना के विजिट करिएगा आप। थैंक यू, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। ये है बड़ी चौपड़ और इससे थोड़ा आप आगे चलेंगे तो आपको हवा महल का मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई देगा। ये हवा महल का बैक साइड है और ये आप देख रहे हैं हवा महल का प्रवेश द्वार, यहीं से आप हवा महल के अंदर प्रवेश करते हैं।